काली सलात वसलाम ने फरमाया फरमाया काबे नु देखना उची बोलना काबे नु देखना कुरान दी ज़ियारत करना आलमे दीन दी ज़ियारत करना अली दा चेहरा देखना फरमाया इबादत है अगली हदीस सुना और तेरी ज़ुबाने पाक दे विचों निकलिया इबादत है जेड़ी जुबाने पाक दे विचों निकलिया कुरान नु वेखना इबादत है जेड़ी जुबाने पाक दे विचों निकलिया आलमे दीन नु वेखना इबादत है जेड़ी जुबाने पाक दे विचों निकलिया अली दा चेहरा वेखना इबादत है ओसे जुबान विचों निकलिया अब्बे दा ज़ियारत करना भी इबादत है जनाबे वाली फरमाया बाप दी ज़ियारत करना जिदी जिदी अब्बे नाल लड़ाई है ओ चुप रहे जिदा अब्बे नाल प्यार है उचा कह दे सुभान अल्लाह अब्बे कोलो ते खर्चा ते इंज मांग दे जिवे हथी दिता सजे प्रॉपर्टी दे हकदार ते तुसी इंज जिवे प्यो नु बना के दित्ती सजे हां जी के अब्बा जी आ भी मेरा है अब्बा जी ये भी मेरा है ओ जेड़ा मुंह पैसा लैन दी वारी खोलदा है उस तौफीक होनी चाहिदी उस जुबान नु ओ प्यो दा मकाम सुन के भी उन सुभान अल्लाह कहना चाहिए जनाबे वाली मेरे आका ने फरमाया बाप दी ज़ियारत करना बोलो बोलो बाप दे चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है भाई पाइया दे ए दर्दी हुंदे ते भाई पाइया दिया ओए ते मामा ठंडिया बाप सिर दे ओए ताज मुहम्मद ते मामा ठंडिया चावा एक दिन जनाबे वाली करीम अकाले सलात व सलाम सरकार तशरीफ फरमाने सहाबा दा मजमा लगायो है मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी आका फरमाया जन्नत दा दरवाजा चुमना जे जी आका चुमना है फरमाया खड़ा नु टर जाओ अरज कीती आका चुमना जन्नत दा दरवाजा खड़ा वच की लैन जाइए मेरे आका ने फरमाया अपने बाप दा जाके मत्था चुम लो मत्था चुमन तो बाद इंदे समझना जी मैं जन्नत दा दरवाजा चमके आ गए ए अब्बे दा मकाम कई पता की आंदे ने ऐसे भी बदबخت जमाने से है मतलब अब आंदे ने अब्बा की कीता साडे वास्ते चंगा हो गया ला जुत्ती ले मारे एक हजार ते गिने एक ते फिर ओनू पुछे जरा शीशे च वेख आ जड़ी झूठ एडी जवान होई है किवें होई है के जड़ी अज ए कोई पुछदी के अब्बा साडे वास्ते की की पर दुख है वे उस्मान गनी साहब के जदों ये हस्तियां नहीं रहंदियां उदो सानू पता लगदा कि टुर कौन गया है अब सब खुला फिर पता लगदा कि कौन चला गया ये बेलौस लोग ने ये दो हस्तियां मां ते प्यो जी दा नाम है ना इन्हां नू जमाने विच कोई मतलब नहीं इन्हां नू कोई गर्ज नहीं ओए 10 धी पुत्र वेखे ने कल्ले प्यो नू पालदे आ ओ जवान हो जान प्यो दी वंडी नहीं पी पैंदी ओ आंदा तू रख आंदा तू रख कुर्बान जा इस हस्ती तो अर्ज कीती आका अब्बे दा मत्था ते चुम लवीए पर अब्बा जी मौलवी होन ता मत्था चुमना चाहिए ना अब्बा जी पीर होन ता मत्था चुमिए
अब्बा जी बड़े नेक होन तज्जद गुजार होन ते तां मत्था चुमिए। मेरे आका ने फरमाया मत्था चुमन वास्ते मौलवी होना शर्त नहीं, पीर होना शर्त नहीं, सिर्फ अब्बा होना शर्त। सिर्फ जनाबे वाली मेरे करीम आका ने सलात व सलाम ने फरमाया, सरकार ने फरमाया सिर्फ बाप होना शर्त है। बोले आ जा सिर्फ बाप होना शर्त है। मेरे करीम आका ने एक दिन सहाबा दे नाल खिताब फरमाया, मेरे आका ने फरमाया सहाबा जी आका फरमाया याद रखना अबे नू कोई माड़ी शान वाला ना समझिया जे, अबे नू एवें ना समझिया जे एदी इतनी शान है के जेड़ी गल चंगी औलाद दे बारे अब्बा सोच लवे, जिस गल दे अंदर बाप राजी होंदे उस गल दे अंदर मेरा खुदा राजी होंदे। ए नहीं फरमाया कि जिस गल च खुदा राजी होंदा उस च बाप राजी होंदा, पर मैं जिदे विच बाप राजी होंदा ओदे विच खुदा राजी होंदा। एक बार जरा सारे कोक कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाली जिन्ना हस्तियां दे कोल ए हस्तियां दे कोल हस्तियां है ने ओना दा हया कर लो क्योंकि टुर गए ने दिलदार दिला दे एते कान रोवे हुन थोड़ा सब रोगा दा ओ रोग मुहम्मद ते जिस दा